हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जोश पे। स्टूडेंट चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इनको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे क्या बताते हैं ये, इनके बारे में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कूलाम के नियम से। स्टूडेंट कूलाम के नियम को एक फ्रांस के फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्तिन कूलाम, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने क्या किया, दो बहुत छोटी आवेश वस्तुओं के मध्य बल को मेजर किया और उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको हम आज कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए क्या कहा इन्होंने, इस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार क्या है, किन्नी दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है, जबकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है स्थिर बिंदुवत के आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, तो आकर्षण प्रतिकर्षण समझ सकते हो, प्रतिकर्षण तो जब समान आवेशों के मध्य बल लगता है तो प्रतिकर्षण हो गया और जब विपरीत आवेशों के मध्य बल लगेगा तो वो क्या हो गया, आकर्षण बल हो गया। अब इसको हम समझते हैं। देखिए तो मैंने क्या कंसिडर किया, क्या माना, दो आवेश लिए, एक लिया Q1 और दूसरा लिया Q2 और दोनों ही जो आवेश है ना वो ध्यान रखिए स्थिर और बिंदुवत है, तो इनके मध्य की दूरी मैंने मानी कितनी, R ले ली स्टूडेंट, कितनी ले ली, R। अब देखिए Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा उसको मैंने मान लिया F12 और Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगेगा उसे मैंने मान लिया F21। अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों ही बल है ना परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो परिमाण में समान है इसलिए मैं इनको क्या लिख दूं, F12 वेक्टर यानी मोड लगा दिया इसका, इसका मतलब परिमाण की बात हो रही है, F21 का परिमाण इक्वल लिख दिया मैंने F के। अब आते हैं स्टेटमेंट पर, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये लीजिए गुणनफल के समानुपाती लिख दिया। देखिए लगने वाला, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल, ये देखिए दोनों आवेशों को गुणनफल करा कर उसके समानुपाती लिख दिया। ठीक है पहली बात। दूसरी जो कूलाम ने कही वो क्या कही कि इनके मध्य दूरी कितनी है इनकी, दोनों आवेशों के मध्य आर है, तो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये लीजिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, अगर मान लीजिए दोनों आवेशों का मान बढ़ता है तो मेरा बल का मान भी बढ़ेगा, अगर आवेशों का मान घटता है तो बल का मान भी घटेगा। इसी प्रकार अगर हम नीचे देखें R और F में, तो अगर दूरी बढ़ती है दो आवेशों के मध्य तो आप समझ सकते हो बल तो घटेगा ना, तो दूरी बढ़ाने पर क्या हुआ, बल घटता है, जबकि दूरी घटाने पर बल बढ़ेगा और दूरी बढ़ाने पर बल घटेगा, मतलब कहने का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूरी के सापेक्ष ये होता है। अब इसको हम और देख लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिए सिंपल है, एफ प्रोपोर्शनल, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं Q1 Q2 अपॉन R2। जब समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट अपीयर होगा यहां पर और वो मैंने लगा दिया के Q1 Q2 अपॉन R2। यहां पर के क्या है, नियतांक है, ये क्या है, नियतांक के है, नियतांक ध्यान रखिए, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है के की वैल्यू 9×10⁻¹। यूनिट कहां से आ जाएगी, देखो मात्रक के का न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अभी जो वैल्यू है ये निर्वात और हवा दोनों के लिए हम यही मान यूज करते हैं, के का ध्यान रखिए स्टूडेंट न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो इस के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε₀, एप्सिलॉन नोड ये तो नियत है लेकिन इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, वो होती है 8.85×10⁻¹². और यूनिट क्या लग जाएगी, इसकी उल्टी कर दीजिए, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है, क्या है इसको बोलते क्या है, निर्वात या हवा
विद्युतशीलता निर्वाती हवा की विद्युतशीलता इसको कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा एक बार और देख लेते हैं। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम बताता है कि ये भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, देखिए लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। देखिए दोनों आवेश Q1 और Q2 है, इनका गुणनफल Q1 Q2 कर दिया, समानुपाती है, क्या हो गया, बल के समानुपाती हो गया। जबकि उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दूरी के वर्ग के, देखिए स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, क्या व्युत्क्रमानुपाती भी है। अब इसको मैंने इस तरह लिख दिया Q1 Q2 r / r² आगे किया, तो इस तरह से, तो ये हमारा बल का फॉर्मूला आ गया। यानी कि हम किन्हीं भी दो आविष्ट वस्तुओं के मध्य बल इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बल किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए एक चीज देख लीजिए, अपन देखते हैं इसको, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप नोट करते जाइए इनको ताकि बाद में पढ़ने में इजी रहेगा। देखिए ये जो दोनों बल काम कर रहे हैं F2 और F1, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, आप ध्यान लीजिए, इधर नोट कर लीजिए इसको। बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के, बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यानी जो बल होता है ना, ये जो दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, दोनों आवेशों के जो केंद्र है, इनको जो लाइन मिला रही है, लाइन मिला रही ना, इनके अनुदिशी काम करेगा इस तरह से। ऐसे नहीं होगा कि ये बल ऐसे काम करेगा इस तरह से काम करेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल इस लाइन के अनुदिशी काम करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमने बल का एक फॉर्मूला निकाला, वो था Q1 Q2 r². अब देखिए यहां पर जो F है वो इनवर्स है 1/r² के, यानी कि अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो F की वैल्यू घटेगी। ठीक है, और अगर R की वैल्यू मान लीजिए घटी तो F की वैल्यू बढ़ेगी। इसको हम ग्राफ में, वक्र में इस तरह से रूपांतरित करेंगे, देखिए रिप्रेजेंट करेंगे R, यानी कि ये है दूरी, तो जैसे हम दूरी बढ़ेगी, ये हमारा बल F, तो दूरी बढ़ने पर, दूरी जैसे बढ़ेगी तो F का मान घटना चाहिए ना, तो ग्राफ कैसे आएगा इस तरह से, ये आपको ध्यान में रखना है, नोट करते जाना है साथ साथ। ठीक है, ये आपका कूलाम का नियम है, सिंपल है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रफ कर दूं, नोट कर लीजिए आप। देखिए इस कर्व का मतलब क्या कह रहा है, कि अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स यानी बल की वैल्यू घटेगी, तो देखिए बल घट रहा है ना दूरी के साथ, दूरी बढ़ती जा रही है और बल देखिए घटता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखते हैं, अगला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, एक बार में समझ आ जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखते हैं इसको भी क्या कहता है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण का मतलब सीधा सा ये है स्टूडेंट, कि हमें कूलाम बल जो था, बल का जो मान है, उसको दिशा के साथ भी रूपांतरित करना, रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो ये है वेक्टर फॉर्म, सुनिए सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश
निरूपण। देखिए इसको देख लेते हैं, समझते हैं इसको, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण को। इसके लिए हमने क्या किया, दो आवेश ले लिए, एक ले लिया Q1 और दूसरा ले लिया Q2। दोनों का आवेश को क्या कर दिया मैंने, r दूरी पर सेपरेट कर दिया। दोनों आवेशों को मैंने r दूरी पर सेपरेट कर दिया, ये लीजिए r दूरी पर सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, और Q1 भी Q2 पे लगाएगा, तो Q2 द्वारा जो Q1 पे बल लगा वो है क्या, F12 वेक्टर। Q2 द्वारा Q1 पे लगाया गया जो फोर्स है वो क्या है, F12 है, और Q2 पर Q1 द्वारा जो फोर्स लगेगा वो है F21 वेक्टर। यानी दोनों क्या करें, एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। देखिए फिर से, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल F12 है, और Q2 पर Q1 के द्वारा लगा बल F21 है, ठीक है। अब देखिए बल तो आगे, तो देख लेते हैं पहले इसको, फिर से अगेन देख लीजिए बल किस तरह से काम कर रहे हैं, बल किस तरह काम कर रहे हैं, बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। देख लीजिए फिर से इसका मतलब क्या है, दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली लाइन ये डेडनेस वाली, तो इसके अनुदिश इस तरह से, इस तरह से, ऐसे नहीं कि इस तरह से बल काम करेगा या ऐसे काम करेगा, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल इस लाइन के रेखा में के अनुदिश ये समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस r लिए, r को मैं मोड में ले रहा हूं, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब देखिए Q1 पर Q2 के कारण बल, स्टूडेंट यहां पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इस आवेश पर इसके कारण बल क्या है, F12, ठीक है। तो ये लीजिए F12, वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करना है, सदिश रूप में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो देखिए बल का फॉर्मूला क्या था, कि दोनों आवेश क्या है, Q1 और Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r मोड का स्क्वायर, ये लीजिए दूरी का स्क्वायर कर दिया, दूरी यही है। अब लेकिन ये तो हमने जो लिखा है वो सिर्फ परिमाण है, जबकि सदिश राशि का मतलब क्या होता है, परिमाण के साथ साथ क्या आनी चाहिए, दिशा भी आनी चाहिए। तो यहां दिशा कैसे लाएंगे, देखिए F12 की दिशा क्या होगी स्टूडेंट, देखिए ये जो F12 बल लग रहा है ये Q2 लग रहा है Q1 पर, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है। ध्यान रखिए बच्चों, किसी भी राशि की दिशा दिखाता है उसका एकांक सदिश, कौन दिखाता है, एकांक सदिश। तो इसका एकांक सदिश क्या होगा, देखो आवेश 2 से 1 की ओर बल लग रहा है, 2 लगा रहा है 1 पर बल, तो इसका एकांक सदिश क्या हो गया, R21K, यह है एकांक सदिश इस F12 का। तो यहां क्या लिखूंगा, R21K। अब यह आ गया दिशा और परिमाण दोनों आ गए यहां पर, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये Q2 बल लगा रहा है Q1 पर, Q2 किस पे बल लगा रहा है, Q1 पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, यानी विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश ही बनेगा। देखिए वो बनेगा यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा, इस दिशा में विस्थापन सदिश क्या बनेगा, देखिए पहले इस दिशा में वो बनेगा टू से वन जा रहे हैं, 2-1 वेक्टर, और इसको लिखते हैं हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ठीक है। अब आइए आगे देख लीजिए इसको, तो यानी कि देखिए बच्चों एक चीज समझते हैं बढ़िया, F12 वेक्टर इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R मोड का स्क्वायर। अब यहां एक चीज और समझिए, ये एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है, कोई भी सदिश राशि उसका एकांक सदिश अपन ऐसे निकालते हैं, ये सदिश राशि है तो A वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर A, यानी कि किसी भी राशि का सदिश अपॉन उस राशि का सदिश का परिमाण। तो हमारे पास एकांक सदिश इस F12 का कौन सा है, R21, ये रहा R21,
आर्टोन इस दिशा में ना, तो आर्टोन या लिखूंगा तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, आर टू वन का सदिश अपॉन आर टू वन वेक्टर का परिमाण ये लिखूंगा। तो यहां पे इसकी जगह नोट कर दीजिए, आर टू वन वेक्टर अपॉन आर टू वन वेक्टर का मोड, ये लीजिए। हो गया, सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखिए इसकी जगह फॉर्मूले में उतार दिया सर यहां पर। अब क्या करना है देखिए, अब समझते एक चीज और छोटी सी, जो ये आर टू वन है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन सदिश है टू से वन का। देखो टू से वन चलते तो अपन विस्थापन में क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम क्या है, इधर से इधर से लेंगे तो अंतिम आर वन और ये आर टू। तो एक चीज बताइए, जब मैं इसका मोड ले लूंगा, यहाँ पे देखिए समझ लीजिए इसको, इस तरफ समझिए, अगर मैं आर टू वन का मोड ले लूंगा, आर टू वन का मोड, तो ये इक्वल हो जाएगा आर के मोड के बराबर। और इसकी वैल्यू कितनी है देखिए, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये आर वन सदिश माइनस आर टू सदिश का मोड, तो ये तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, देखो के क्यू वन क्यू टू अपॉन, इसकी जगह लिखता हूं आर टू वन का मोड, आर टू वन का मोड का स्क्वायर। और ये तो ऐसा कैसा है, ठीक है सिंपल भाई। इसका परिमाण, इसका परिमाण सेम होगा क्योंकि विस्थापन तो दूरी होती है ना परिमाण में, तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, बस उसमें डायरेक्शन आती है। अब देखिए एफ वन टू, सर इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिए के क्यू वन क्यू टू, इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ये क्यूब हो गया ना, तो आर टू वन वेक्टर का मोड का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा आर टू वन, सिंपल ये क्यूब हो गए दोनों मिलकर, स्क्वायर और एक मिलकर क्यूब, बाकी ऐसा कैसा, ठीक है स्टूडेंट यहां तक ठीक है समझ में आ गई। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये आप नोट कर लो इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा सा और। एफ वन टू वेक्टर इक्वल टू के Q1, Q2 अपॉन, ये R1 वेक्टर है ना, R1 वेक्टर को यहां मैंने लिखा था, क्या लिखा था, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, वही अभी तो लिखा था ना इधर, क्या लिखा था, R21 वेक्टर को लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ देखिए यहां पे देख लीजिए, जरूरत नहीं है, R21 वेक्टर, ये R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये रहा, बाकी मोड मोड तो मैंने ऐसे से रख दिया, ठीक है। इसी प्रकार इसको क्या लिखता हूं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये लीजिए ये आ गया F12 का सदिश निरूपण, ठीक है। इसी प्रकार क्या करना है, इसी प्रकार Q2 पर Q1 के कारण बल, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, अब किस पर बल निकाल रहे हैं, इस पर, किसके कारण, इसके कारण, ठीक है। तो कैसे, वो क्या हो जाएगा F21 वेक्टर, और इसी प्रकार करना है तो आप इसको देखिए कैसे लिखोगे, K Q1 Q2, अब इसको तो आप लिख सकते हो ना, अब यहाँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा बल क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी सदिश, ये लीजिए ये इसका हो गया। अब देखिए इन दो इक्वेशन से, एक तो ये है और दूसरी ये है, इन दोनों से हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो F21 है, F12 वेक्टर, वो इक्वल है और विपरीत है एक दूसरे के, लिए ध्यान रखिए परिमाण में तो समान है लेकिन दिशाओं में क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, लास्ट में इन दोनों से ये कंक्लूजन निकलता है, और वैसे भी हम देख सकते हैं दोनों वैसे भी विपरीत दिशा में है लेकिन परिमाण दोनों क्या है समान है। अच्छा इसका एक आंसर क्या होगा, R12 K, दिशा क्या होगी ये, ठीक है। चलिए हो गया, इतना कोई प्रॉब्लम है इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए कूलॉम का नियम क्या कहता है, सदिश निरूपण में हमें क्या करना होता है, दिशा के साथ साथ उसका परिमाण भी लेना है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस पर इसके कारण आवेश, अब देखिए समझिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, F12 F21 में जिस पर बल लगता है ना उसको पहले लिख दो,
तो जैसे वन पे लग रहा है क्यू वन पर, तो वन पे लिख दिया, टू लगा रहा है तो टू को बाद में लिख दीजिए, सिंपल बिल्कुल कुछ नहीं है। तो क्यू वन पर क्यू टू का बल क्या हो गया, एफ वन टू के क्यू वन। अब इस बल का एकक सदिश क्या है, आर टू वन, क्योंकि टू से वन की ओर बल लग रहा है तो आर टू वन क्या हो गया, एकांक सदिश। दिशा को किसी भी सदिश राशि की दिशा को उसका एकांक सदिश ही दिखाता है, ठीक है। तो इसका ये लिख दिया, यहां तक परिमाण का, इसको लगाते क्या होगा, ये परिमाण के साथ साथ दिशा भी आ गई अब इसकी, ठीक है। अब इसको देखिए, तो है इसको कैसे लिखता हूं एकांक सदिश से, हमें पता है फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, मोड अपॉन वेक्टर, ये फॉर्मूला भी उधर लिख रखा था पहले अपन ने। अब इसको क्या किया, इस तरह से कर दिया, इसको हमें पता ही है कि इसको और इसको मोड ले लूंगा तो दोनों सेम हो जाएगी, बताया था पहले, तो रख दिया, सॉल्व किया, क्यूब हो गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं, R1 को देखो, R1 माइनस R2, ये पहला। इसी प्रकार हम देखेंगे तो अगले वाले को उल्टा कर दो, R21 केस में ये हो जाएगा बस, बाकी ये तो सेम ही रहेगा, के Q1 Q2 तो सेम ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर स्टूडेंट, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, ज्यादा टफ है नहीं, सिंपल सा है। अब देखिए कुछ इसमें और पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट देख लेते हैं, रफ कर रहा हूं मैं, आप देख लेना, नोट कर रहा हूं। देखिए हमने देखा पहला पॉइंट तो क्या कि F12 वेक्टर किसके इक्वल है, इसके, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत। तो हम क्या लिखते हैं, अर्थात दोनों बल परिमाण में समान है, परंतु दिशा में विपरीत है, ठीक है। अतः दोनों बल परिमाण समान है परंतु दिशा में विपरीत है, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के गति के थर्ड नियम का की पालना करता है, पहला पॉइंट तो ये हो गया जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सदिश निरूपण के इंपोर्टेंस, तो पहला इंपोर्टेंस तो लिख दिया, दूसरा भी देखते हैं, और दूसरा क्या है, देखिए जो बल होते हैं, बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, बस सिंपल इतना आपको करना है, और इतना करते हैं आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप कर सकते हैं इनको नोट कर लीजिए इनको। अब आएंगे कूलाम के नियम की सीमाएं, कुछ सीमाएं होती देख लीजिए, नियम की सीमाएं, पहली सीमा देख लीजिए क्या है, आवेश बिंदुवत होने चाहिए,
पहली लिमिटेशन ये है, दूसरी आवेश स्थिर होने चाहिए, और तीसरी क्या होती है, आवेशों के मध्य दूरी 10^-15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं तो प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, यह आपको ध्यान रखना है। नहीं तो प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, ठीक है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए आपको। आगे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट, दो प्रोटोनों के मध्य बल की गणना करो, गणना करो यदि एक दूसरे से 1.6 सेंटीमीटर दूरी पर हो, यदि एक दूसरे से 1.6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए दो प्रोटॉन है, पहला प्रोटॉन ये मान लेते हैं, दूसरा प्रोटॉन ये, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 1.6 सेंटीमीटर। पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1.6 × 10^-2 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दो प्रोटोन के मध्य, एक चीज देखिए, एक प्रोटोन पर जो आवेश का मान होता है वो होता है 1.6 × 10^-19 कूलम, यह आपको ध्यान रखना है। तो आइए फॉर्मूले पर, F बराबर के Q1 Q2 / R2। तो K का मान कितना है, 9 × 10^9, हवा की, मान लीजिए दोनों प्रोटॉन का है हवा में, तो ये लिख दिया, ये तो आपको पता ही है। Q1 की वैल्यू, Q1 क्या है, प्रोटॉन है पहला, प्रोटॉन प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10^-19। दूसरा प्रोटॉन के लिए कितनी है, 1.6 × 10^-19 अपॉन आर स्क्वायर, आर का है ये डिस्टेंस कितनी, 1.6 मीटर वाली भी डिस्टेंस लेंगे अपन ध्यान रखना, तो 1.6 × 10^-2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 9 × 9 है 19, ये कितनी है 10^9, 1.6 × 1.6 × 10^9 × 19, 10^-38, नीचे 1.6 स्क्वायर ना, तो दो बार लिखेंगे 1.6 × 10^-4, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, 10^4 ऊपर गया तो 4 और 9 13 हो गए, तो 9 × 10^4, देख लीजिए 9 × 10^4 प्लस, ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा नहीं, × 10^-38। अब देखिए आगे कैसे करेंगे इसको, F = 9 × 10^ कितना हो गया 13 × 10^-38, तो F = कितना हो जाएगा 9 × 10^-25। अच्छा फोर्स की वैल्यू क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन लगा दीजिए, ये लीजिए आपका आंसर, ये आ गया।
ठीक है, यह आपका आंसर। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। आगे आइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए यूजफुल है। देखिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देख लेते हैं इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, तो ये टेबल बना लीजिए, आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। देखिए ये है कण, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों को देखेंगे हम। पहले देखेंगे, इस पर देखेंगे आवेश और इस पर देखेंगे द्रव्यमान। दोनों आपको याद रखनी है टेबल, ऐसे किसी ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 9.1 × 10⁻³¹ केजी, केजी में होता है ध्यान की। प्रोटॉन पे कितना, 1.672 × 10⁻²⁷ केजी। न्यूट्रॉन पे ऑलमोस्ट इतना ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है माइनस 4 × 10⁻²⁷ केजी, ये लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा, ये टेबल आपको याद करनी ही करनी है, बहुत जगह काम आएगी। दैट्स व्हाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान दे लीजिए इधर, देखिए हम जो आवेश का मात्र कूलाम होता है उसको कूलाम में नहीं आकर क्वेश्चन, कभी कभार कुछ और फॉर्म में पूछ लिया जाता है, देखिए वो कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए 1 मिली कूलाम है, मिली कूलाम, तो देखिए मिली कूलाम को हम ऐसे लिखेंगे छोटा m और c, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ कूलाम, इधर रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम के बराबर। इसी प्रकार 1 नैनो कूलाम, और इसको लिखते हैं इस तरह से, उसकी वैल्यू थी 10⁻⁹ कूलाम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन पॉइंट और ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो टेबल उतारनी है, नीचे इनको उतार लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी एग्जाम दे दे 1 मिली कूलाम बराबर, तो आपको कूलाम में कन्वर्ट करना होगा, माइक्रो को भी कूलाम में कन्वर्ट करना होगा, नैनो को भी इसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ओके स्टूडेंट।